वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैनल के थोड़े से अपडेट्स के बारे में। बहुत कुछ अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उन सारों को डिस्कस करके क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज इंट्रो लगाते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइज सबसे पहला अपडेट है कि जो लैंग्वेज चेंज की है, तो इंग्लिश से सीधा हिंदी को आ गए हैं। और हाँ, थोड़े वीडियोस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है हिंदी बोलने में, क्योंकि कैमरे के सामने बोल के आदत नहीं है, नर्वस हो सकता हूँ मैं। और जिस तरह अब अटक रहा हूँ वो थोड़ा फ्लो क्लीन हो जाएगा और कुछ दिनों में। तो गाइस सबसे पहला लैंग्वेज का अपडेट तो था, और वो क्यों किया मैंने, मैंने इंग्लिश का चैनल स्टार्ट किया था October 8, 2017 में। आज को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, और 3 साल से इंग्लिश में वीडियो बना रहा था, तो कमेंट्स में हर बार हिंदी में बोलने की डिमांड आ रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया यूट्यूब से ही पूछ लेते हैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल के। तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट डाला कि लैंग्वेज कौन सी चाहिए आपको, इंग्लिश या हिंदी। तो फिर उधर इंग्लिश को ज़्यादा वोट्स आए, हिंदी को कम आए। तो मैंने, जैसे कि आपने देखा पिछले 2-3 वीडियो में, अगर कम्युनिटी पोस्ट में अभी भी शायद वो पोस्ट पड़ा हुआ है, अगर उधर जाके देख लेंगे, बहुत रिसेंट पोस्ट है, 2-3 दिन पहले का पोस्ट, उधर जाके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश को ज़्यादा वोट है। फिर मैंने जाके चैनल एनालिटिक्स में एंगेजमेंट में देखा कि 98% लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो इसका मतलब बस 2% लोग जो देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। और उन सब्सक्राइबर्स में से 72% कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ, बाकी के लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बनाऊँ। तो कमेंट्स जाके देखता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, जबकि मैं कंपेयर करूँ वोट के नंबर को, जो नंबर ऑफ काउंट्स बताता है कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें आपको दिखता है जो है नंबर ऑफ वोट्स। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के, नंबर ऑफ कमेंट्स के कंपेयर करने पर, तीनों चीज़ें कंपेयर करने पर जो हिंदी का ये था वो ज़्यादा डिमांड था, तो इसलिए हिंदी में वीडियो स्टार्ट की। अगर आपको ये वीडियो का क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो मैं एक्सटर्नल कैमरा ऐप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और डायरेक्टली कैमरे के मोबाइल के जो कैमरा होता है उससे लाइव फोकस मोड के साथ वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाला सेटअप पसंद लग रहा है तो कमेंट और लाइक कर देना, मैं इसी सेटअप के साथ वीडियो बनाऊँगा। अगर आप कल का वीडियो देखते हो तो ये जो वाइट शाइन दिख रहा है सिर के पीछे, और जो लाइट एक्स्ट्रा आ रहा है वो सब कुछ नहीं दिखेगा, और माइक बिल्कुल भी लगाया हुआ नहीं है। मैं जो भी है इसी तरह अपलोड करूँगा, क्योंकि जब मैं सुबह में बस एक ट्रेल शूट कर रहा था तभी मैंने देखा कि विदाउट माइक एकदम क्रिस्प ऑडियो आ रहा था। और अगर आपको एक्सटर्नल ऑडियो आ रहा है इधर, तो सॉरी यार, ये वीडियो इसी तरह अपलोड होगी। तो बेसिक चीज़ें हैं जो कैमरा ऐप है उसमें लाइव फोकस मोड है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ, और विदाउट माइक शूट कर रहा हूँ। तो बस इतने ही कुछ अपडेट्स थे यार। मेजर अपडेट जो था वो लैंग्वेज का था, वो हिंदी में शिफ्ट कर दिया है, और इसके बाद हिंदी में वीडियोस आएंगे, और अगर फ्यूचर में अगर हो सकता है तो इंग्लिश सबटाइटल्स भी डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अंटिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड।